स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश महासचिव। क्या मास्टर जी थी, क्या मांगे थी? क्यों मांग कुछ नहीं है सर, आज कम से कम 3 साल हो गए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि प्राइवेट स्कूलों का एक कल्याण बोर्ड बनाएंगे, और आज तक वो कल्याण बोर्ड नहीं बना। हम बार बार प्रत्येक मंत्री के पास में, हमारे MLA के पास में, मिनिस्टरों के पास में, अधिकारियों के पास भी कई बार चक्कर लगा चुके, हाथ जोड़ करके विनती कर दी सर हमारा कल्याण बोर्ड बढ़ा दो, हमारा कल्याण बोर्ड बढ़ा दो, लेकिन आज तक कल्याण बोर्ड नहीं बढ़ा। दूसरी बात यह है, RT का जो मामला था, पहले इन्होंने क्या नाम से 25% के देने की घोषणा की, लेकिन वो 25% भी न दे करके अब स्कूलों के अंदर एक क्या नाम RT का पैसा मतलब देना ही नहीं चाहती है। बच्चों से पूछा, जिसके अंदर मुश्किल से 50 बच्चों में से केवल 5 बच्चों को पूछा, अगर 3 बच्चों ने अगर ये कह दिया कि ऑनलाइन अगर शिक्षा नहीं दी है तो आपको आरटी का पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे मतलब इसको आरटी के पैसे को भी मतलब सरकार हम लोगों को देना नहीं चाहती। दूसरी बात, जब WHO कह चुका और कई संस्थाएं कह चुकी, विशेषज्ञ कह चुके कि कोरोना बच्चों से नहीं फैलता है, अगर 3 साल के अंदर अगर बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर पाया क्यों, तो निश्चित रूप से एक पीढ़ी अनपढ़ रह जाएगी, अशिक्षित रह जाएगी। इसलिए एक मांग ये हमारी कि स्कूलें खोल दो। जब बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रहा है, WHO कह रहा है, MCRI कह रही है, कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है, उसके बावजूद स्कूल नहीं खोले, और बड़ी मांग नहीं है हमारी, बस यही छोटी छोटी मांगे हैं। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं। आत्मदाह का या आत्महत्या का सोचना भी पाप है। हमारे यहाँ अध्यात्म में और जो हमारे यहाँ की रिलीजियस बुक्स हैं उसमें लिखा है कि आत्महत्या की कोई सोचता है तो उसका पाप लगता है, और उस कृत्य को करना तो अपने आप में बहुत ही बुरी बात है। जब उनकी सुनवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारी बातें अभी आपके सामने आपके साथ कहलवा रहे हैं, फिर भी वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? उनको तो वहां पर अपना एक तरीके से बात को किसी न किसी रूप में बिगाड़ना है। मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ, सबकी बात सुनता हूँ और सबकी सुनकर के एक्ट भी करता हूँ। मैंने हमारे अधिकारियों को, डायरेक्टर को निर्देश भी दिए हैं कि आप शिक्षण संस्थाओं को जो वास्तव में चली हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, उनको निश्चित रूप से RTE का भुगतान करना है, और करेंगे हम। सर, संचालकों का